मुलायम सिंह की सत्ता नहीं आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी आ गई तो हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेंगी, अराजकता का राज हो जाएगा, किसी की FIR नहीं लिखी जाएगी, सिपाही से लेके और SSP तक सब यादव हो जाएंगे, जातिवाद हो जाएगी और जो है भ्रष्टाचार का फिर वही बोलबाला हो जाएगा। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को भ्रष्टाचार की चाबी सौंप रखी है, मैं बीमार हूँ और तुम करना उसी काम को। जो यहाँ की सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो ही ओरिजिनल रहना चाहिए, बाकी यहाँ से आउट ऑफ इंडिया रहना चाहिए। OAC इन बिलों को कृषि कानून की आड़ में वापस कराना चाहते हैं, लेकिन ये वापस नहीं होगा। केंद्र से मोदी जी 1 रुपया भी रिलीज करते हैं वो स्टेट में विकास कार्य के लिए, यानी जो सरकारी पैसा है वो सरकार में लगता है। पहले 100 रुपये आते थे, 99 रुपये जेब में होते थे और 1 रुपया विकास कार्य में लगता था, सबको डकार जाते थे। जो अब तक मुख्यमंत्री हैं उनमें योगी सबसे बढ़िया है और अपराध कम हुए हैं और अपराध के साथ साथ में विकास भी है। विकास अब से पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया UP में और BJP ही दोबारा आनी चाहिए। अब चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बन रही है? सरकार योगी जी की बन रही है। यदि दिन के उजाले में भी भारत वाले देशवासी दीपक लेकर ढूंढे तो मोदी और योगी जैसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन्हें नहीं मिल सकता। जो अब तक मुख्यमंत्री हैं उनमें योगी सबसे बढ़िया है और अपराध कम हुए हैं और अपराध के साथ साथ में विकास भी है। विकास अब से पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया UP में और BJP ही दोबारा आनी चाहिए, रहनी चाहिए, क्योंकि योगी में बहुत गुण है। जैसे ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं सोचते हैं कि इनके अध्यक्ष सभी जो है इनके कुनवे के लोग होते हैं? कहते हैं हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन अभी चाचा जैसे कहीं और हैं, पिताजी कहीं हैं। क्या अखिलेश यादव का जो सत्ता का जो नशा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है कि इसमें परिवारवाद है, कोई ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी में कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है, जो उनका कोई भी एक भी परिवार का सदस्य 18 साल से और 80 साल तक, जिस पे चाहे वो MLC हो, गांव प्रधान हो, वो मिनिस्टर हो, भाई भतीजावाद हो, सिर्फ यादव कम्युनिटी को ही वो तरजीह देते हैं और किसी को नहीं देते। देखते होंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उसमें तमाम जो है, जैसे ये कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सबका एक ही कहना है, बाहर सबके टारगेट पे जो है बाबा हैं। तो क्या लगा आपको कि ये इतने बौखलाहट क्यों है आखिर सभी जो है विपक्षी दलों में? विपक्षी दलों में बौखलाहट इसलिए है कि ईमानदार आदमी को हटा दो। जैसे मैंने एक फिल्म देखी जिंदगी में पहली बार, पाकिजा, तो उसमें ठाकुर का रोल करते हैं, तो उसमें जो कहते हैं कि भाई उसके हाथ भी काट देते हैं कि वो ठाकुर जो है अन्याय के खिलाफ लड़ा 16 फिल्म में, तो इसीलिए मोदी और योगी को हटाकर फिर वही भ्रष्टाचार का बोलबाला करते हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए 2014 से, एक भी स्कैम, एक भी घोटाला सामने नहीं आया और UP में भी घोटाला खत्म हो गया। जो केंद्र से मोदी जी 1 रुपया भी रिलीज करते हैं वो स्टेट में विकास कार्य के लिए, यानी जो सरकारी पैसा है वो सरकार में लगता है। पहले 100 रुपये आते थे, 99 रुपये जेब में होते थे और 1 रुपया विकास कार्य में लगता था, सबको डकार जाते थे। आपने पुलिस महकमे में रहते हुए आपने देखा होगा कि कई बार उत्तर प्रदेश में जगह जगह अलग अलग शहरों में कर्फ्यू लग जाता है, इस 4.5 सालों में कर्फ्यू या जाति दंगे या धार्मिक दंगे हुए हैं? वो धार्मिक दंगे नेता लोग करवाते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन BJP में ऐसा कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ। की स्थिति आई 4.5 सालों में? नहीं, कोई भी नहीं आई है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ, ना कर्फ्यू लगे, ना हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई हुई है। यहाँ इतने मुसलमान रह रहे हैं, जो मुसलमान का घर है, मेरा घर एक दीवार से दीवार मिल रही है, उसका बाप भी होगा कोई, उसका भी बाप होगा, वो बारिश में से गिर का मेंढक की तरह, और मेरा बाप भी होगा, उसका भी बाप होगा कोई, मेरा बाबा भी होगा। पुलिस प्रशासन ने, आपने सही तरीके से, पुलिस में दबाव आता था ऊपर से, तो क्या ये सरकार में भी इस तरह से कुछ दबाव आता है कि अपराधियों को भी जो है किस तरह से शिकंजा कसना है, अपराधियों को छोड़ना है या बचाना है, इस तरह का कुछ? अपराधी को बचाना नहीं होता, जो अपराधी है अपराधी है, ईमानदारी से काम लेते हैं और जो अपराध करता है उसके लिए हम जो FIR करके जेल भेजते हैं, और जो पुलिस की नाक में दम कर देता है तो हमें जो भी हाई कमांड से ऑर्डर मिलता है उसे हम ऊपर भी भेज देते हैं, ऐसी गोली देते हैं हम,
ना उसको डेंगू होता ना बुखार होता, बस पोस्टमार्टम होता। किस सरकार में ये भूमाफिया बने, किस सरकार में? पार्टी में भूमाफिया बने, जैसे मोहम्मद आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी और बहुत यूनिवर्सिटी हैं कब्रिस्तान की जगह पे, मुलायम सिंह की और मुलायम सिंह के जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, तो वो मुल्ला मुलायम कहते थे और कब्रिस्तान की जगह पे मोहम्मद आजम खान ने यूनिवर्सिटी बना ली अवैध, और जो जो कमज़ोर लोगों की ज़मीन थी वो हड़प ली। और ठीक इसी तरीके से मुख्तार अंसारी ने भी यही किया, जिसकी अभी रिसेंटली कुड़की हुई है 10 करोड़ रुपए की। अतीक अहमद भी उसी का ही जो चेला है, और समाजवादी पार्टी आने के बाद में ये भूमाफियाओं की, और जो ये आतंकवादी हैं, जो ये आतंकवादी हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जो मुलायम सिंह की आड़ में समाजवाद पार्टी में ज़मीन में भूमाफिया कब्जा करते हैं, उनको योगी जी ने उनके खिलाफ FIR करा के, जाँच करा के जेल में डाल रखा है। और मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव ये कह रहा है कि यदि फिर ये आ जाए तो ये लोग फिर कब्जा करें और बाहर आ जाएं, इसलिए समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से जो है इन ये पार्टियों का जो चरित्र है, इस तरह से जो बौखलाहट है इस समय, जो जैसे जैसे नज़दीक जो है सब चुनाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेतुके बयानबाजी हो रहे हैं नेताओं के, उसको किस तरह से लेते हैं? मैं इस तरीके से लेता हूँ कि जब लड़की ससुराल जाती है तो वो अपनी माँ से भी मिलती है, पिताजी से भी मिलती है, ताऊ से भी मिलती है, ताई से भी, चाची से भी, सब गांव के देहात के सब समाज से लिंक रखते हैं। उसके आंसू, जिस हमने बेटी को 18-20 साल 25 साल पाला है और पढ़ा लिखा के भेज दिया है, वो उसके आंसू असली होते हैं। लेकिन अन्य पार्टियों के, खासकर समाजवादी पार्टी के आंसू नकली हैं, और उसे नींद नहीं आ रही। किसको? मुलायम सिंह के सपुत्र को, कि भाई ऐसे ऐसे मेरी सत्ता आनी चाहिए, मुलायम सिंह की सत्ता नहीं आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी आ गई तो हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेंगी, अराजकता का राज हो जाएगा, किसी की FIR नहीं लिखी जाएगी, सिपाही से लेके और SSP तक सब यादव हो जाएंगे, जातिवाद हो जाएगी, और जो है भ्रष्टाचार का फिर वही बोलबाला हो जाएगा। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को भ्रष्टाचार की चाबी सौंप रखी है, मैं बीमार हूँ और तुम करना उसी काम को, सत्ता में आओ तो जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री को जो है कृषि कानून वापस लेना पड़ा, और ये मानना पड़ा कि हमें हो सकता है कोई कमी रह गई हो हमें समझाने में किसानों को, और आप वापस आएँ अपने खेतों में काम करें। इसके बावजूद भी टिकैत अभी अड़े हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब तक जो आप संसद में जो है आप इसको निरस्त नहीं, तब तक हम बॉर्डर को घेर के रखेंगे। इस चरित्र को क्या देखते हैं आप? मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। मोदी जी ने जब डिक्लेरेशन 19 तारीख को कर दिया गुरु पर्व पर और देश से माफ़ी मांग ली, तो ये तीनों जो बिल तो संसद में ही जो बनते हैं संसद में ही वापस होंगे। ये तो कुछ लोग जो अनपढ़ हैं और जिनको समझ नहीं है वो ऐसी बात करते हैं, ये तो विड्रा होना ही होना है। ये तो जो वापस हो चुके हैं 29 तारीख से 29 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें सबसे पहले टेबल पर यही बिल होगा और वापस होंगे। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये जो है हमारे जो केस जो मुकदमे दर्ज हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनको भी विड्रा करो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट से भी, वो मुकदमे वापस होने चाहिए और किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा और किसानों को इसमें 2022 में ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद में इससे पूरा वो BJP का ही समर्थन करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ एक राजनीति और भी है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो धमकाने लगे हैं प्रधानमंत्री को। वो उनका कहना है कि जिस तरह से आपने जो है 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, वैसे CAA वापस लेना पड़ेगा, NRC वापस लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेते हैं तो हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को जो है साइन बाग बना देंगे, तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? ये वोट की राजनीति है, OVC कुछ नहीं है, और सिर्फ मुसलमान भाइयों की ही वोट पर वो राज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और OVC इन बिलों को कृषि कानून की आड़ में वापस कराना चाहते हैं, लेकिन ये वापस नहीं होगा। जो भी आतंकवादी है, जो भी टेररिस्ट है, किस कम्युनिटी का, जम्मू कश्मीर में 35 से लागू हुआ 370 धारा हटाई मोदी जी ने, वो किसके लिए करी? अपने बेनिफिट के लिए नहीं करी। और जितना विकास सेंटर में और इसमें स्टेट में UP गवर्नमेंट में किया, इसने किसी में नहीं किया। OVC हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जीतकर संसद में जाते हैं।
और ऐसा नहीं है। सीए और एनसीआर बिल वापस नहीं होना चाहिए। जो यहाँ की सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो ही ओरिजिनल रहना चाहिए, बाकी यहाँ से आउट ऑफ इंडिया रहना चाहिए। जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो एक रामपाल शर्मा जी मुझे पढ़ाते थे इंग्लिश, और इंग्लिश मेरी पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है, और मैं पुलिस ऑफिसर रिटायर हूँ। जो एक इंग्लिश में एक वर्ड है नैरो माइंडनेस, जिसे कहते हैं ओछापन, दिमाग की संकीर्णता। तो यदि ओवैसी अपने मुसलमान भाइयों में ऐसा नहीं बोलेंगे तो वोट कैसे लेंगे वो? और यहाँ से भी इलेक्शन लड़ने की यूपी से भी कोशिश कर रहे हैं वो। यदि ओवैसी की 10 या 5 एमएलए के मुसलमान भाई जीत जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो उसका होल्ड बन जाएगा। जैसे अब बोलता है उसमें मोदी जी के उसके खिलाफ, ये असली देशद्रोही ओवैसी है जो पार्लियामेंट में बोलता है और पार्लियामेंट से बाहर बोलता है, वो भड़काता है। और ऐसे नहीं कहेगा तो पतंग के निशान पर, यानी ओबीसी के निशान पर कौन वोट देगा? कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इसको। और ये धर्म की राजनीति हिंदू नहीं करते, ओवैसी करता है। ओवैसी किस कम्युनिटी से? मुस्लिम कम्युनिटी से। वो मुसलमान भाइयों को भड़काता है। और यदि मोदी और योगी बीजेपी आई सत्ता में दोबारा, तो सबको एनआरसी लागू करके यहाँ से जो गेट आउट कर देंगे, भारत से निकाल देंगे उनको। उन वो जो घुसपैठी हैं वो तो रहने ही नहीं चाहिए। जो बाहर के कंट्री के स्टेट के हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, वो रहने नहीं चाहिए यहाँ पर। जिस तरह से आप पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने ग्राउंड से देखा है कि किस तरह से विसंगतियाँ हैं, इसी तरह से जो ओबीसी भी कानून के जानकार बताते हैं आपको, बोलते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, लंदन से पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं समझ आता आ रहा? वो इस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति जो है देश में रह करके इस तरह से करते हैं, और कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है नौटंकी बाज है, इनको तो बॉलीवुड में जाना चाहिए था, इस तरह से तंज कसते हैं देश के प्रधानमंत्री को। जो एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अशोभनीय इस्तेमाल करता है, उसको ही शुड नॉट बी एंटर्ड इन द पार्लियामेंट। जो ओवैसी जी उसकी करते हैं राजनीति, हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक झगड़ा भड़के और हिंदू मुसलमान बट जाएं और मुझे सपोर्ट करें, और उस सपोर्ट का मतलब है मेरे एमएलए आए। जैसे अब विधानसभा का चुनाव यूपी में होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव यूपी में हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो मुसलमान मुसलमान को कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा और बीजेपी हार जाएगी। और उसने ओबीसी ने ये मुसलमान भाइयों के दिमाग में ये घुसा रखा है कि जब तक बीजेपी रहेगी वो मुसलमान विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस से लेके बीजेपी तक सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति रहे हैं, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, मैंने फखरुद्दीन अली अहमद की ड्यूटी करी है, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति रह चुके हैं, हिस्ट्री से आकर देख लो। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कौन होते हैं? हिंदू मुस्लिम। तो ये जो भारत जो सांप्रदायिक होता तो मुसलमान को ही राष्ट्रपति क्यों बनाता? एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये कौन है? अब्दुल कलाम। वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम कौन है? अब्दुल कलाम ने मुसलमान होते कभी गीता का साथ नहीं छोड़ा। यार जितना गंदा ओवैसी जी बोलते हैं, उतना कोई भी एमपी, कोई भी सांसद, मुसलमान सांसद गलत नहीं बोलता।